क्यों तो पानी में एक से बढ़कर एक खतरनाक जीव जंतु निवास करते हैं, मगर जब बात हो मगरमच्छ की तो डरना लाजिमी है, क्योंकि एक बार के लिए कोई मौत को चकमा दे सकता है, लेकिन मगरमच्छ से बचना इम्पॉसिबल है। मगरमच्छ पानी में रहने वाला वो खूंखार दानव है जिसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं है। शेर और चीते जैसे घातक जानवर शिकारी भी इसके सामने दया की भीख मांगने लगते हैं, लेकिन मजाल है जो ये किसी को बख्श दे। आज हम आपको मगरमच्छ के कुछ ऐसे जानलेवा और खतरनाक हमले दिखाएंगे जहां मगरमच्छ ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। क्रोकोडाइल अटैक चीता। चीता अपने आप में एक खतरनाक शिकारी है, लेकिन जब इसका आमना सामना मगरमच्छ से होता है तब ये भीगी बिल्ली बन जाता है। यकीन नहीं हो तो आप खुद ही देख लीजिए। इस चीते को जोर की प्यास लगी थी, इसलिए वो पानी पीने के लिए दरिया किनारे जा पहुंचता है। लेकिन इस दौरान आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि चीता एकदम किनारे पर खड़े होकर पानी पी रहा है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि पानी में उसका जानी दुश्मन घात लगाए बैठा होगा, इसलिए चीता भागने की पोजीशन में ही पानी पीता है। लेकिन मगरमच्छ के चंगुल से बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। मगरमच्छ आंधी की तरह आता है और तूफान की तरह चीते को उड़ा कर ले जाता है। वो चीते पर इतनी फुर्ती से अटैक करता है कि उसे भागने तक का चांस नहीं मिलता और चीता नीचे गिर जाता है। इसके बाद मगरमच्छ सीधे चीते की गर्दन को पकड़कर पानी में खींचते हुए ले जाता है और अचानक गायब हो जाता है। वहीं पानी के बाहर खड़े चीते के दो साथी बस देखते रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। क्रोकोडाइल अटैक कंगारू। आमतौर पर कंगारू और मगरमच्छ का आमना सामना बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन आज हम आपके सामने ये चौंकाने वाला नज़ारा भी पेश करने जा रहे हैं। यहाँ मौजूद कंगारू को इतनी तेज प्यास लगी है कि वो पानी खोजते खोजते नदी किनारे जा पहुँचता है, मगर वो इस पानी में रहने वाली आफत से अनजान था। उसे जरा भी मालूम नहीं था कि वो मौत के मुँह में जा रहा है। कंगारू बेखौफ होकर अपनी प्यास बुझा ही रहा था कि मगरमच्छ की उस पर बुरी नजर पड़ जाती है और वो दबे पाँव कंगारू की ओर बढ़ने लगता है। मगरमच्छ किनारे पर पहुंचते ही कंगारू को दबोच कर पानी में खदेड़ देता है। कुछ देर तक मगरमच्छ कंगारू के साथ पानी में ही रहता है, फिर अचानक उसे पता नहीं क्या होता है कि वो कंगारू को लेकर पानी के बाहर मुंह निकालता है और उसे बुरी तरह झकझोर देता है। लगता है शायद ये मगरमच्छ आज काफी गुस्से में है, इसलिए वो कंगारू को बार बार झटकता है और कुछ ही देर बाद कंगारू के शरीर के दो टुकड़े हो जाते हैं और मगरमच्छ कंगारू को हड्डी समेत चबा जाता है। कंगारू की इतनी दर्दनाक मौत को देख किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। क्रोकोडाइल अटैक पाइथन। मगरमच्छ का जबड़ा इतना मजबूत और ताकतवर होता है कि वो एक ही बार में शिकार को धाराशाही कर देता है। अन्य जानवरों के मुकाबले मगरमच्छ का बाइट फोर्स काफी मजबूत होता है। एक नाइल क्रोकोडाइल का बाइट फोर्स 5000 PSI होता है और यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है। इनकी दमदार बाइट फोर्स ही मगरमच्छ को सफल शिकारी बनाता है। आज यहाँ मगरमच्छ का सामना पानी में रहने वाले दूसरे साइलेंट किलर से होने जा रहा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि जीत किसकी होती है और किसे जान गंवानी पड़ती है। अजगर भी पानी में रहने वाला एक खतरनाक जीव है और ये बिना आवाज के अपने शिकार को जिंदा ही निगल जाता है। पानी के नीचे ये अजगर आराम से घूम रहा था और वहीं दूसरी ओर मगरमच्छ मुंह फाड़े खड़ा था कि कब मौका मिले और वो अजगर पर धावा बोले। दांव लगते ही मगरमच्छ अजगर को अपने मजबूत जबड़ों में पकड़ लेता है और उस पर पकड़ मजबूत करने के लिए अजगर को धीरे धीरे मुंह में ढकेलता है। मगर अजगर भी कुछ कम नहीं है, वो मगरमच्छ पर काबू पाने के लिए काफी हाथ पैर मारता है, पर मगरमच्छ उसे झटका देता है और गलती से अजगर उसके चंगुल से निकल जाता है। लेकिन मगरमच्छ ने तो जैसे हार मानना सीखा ही नहीं है। अब अजगर खुद मगरमच्छ के मुंह के सामने जा खड़ा होता है। लगता है शायद वो मगरमच्छ को दूर से ही चेतावनी देने आया है, लेकिन मगरमच्छ को तो अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। इस बार मगरमच्छ सीधे अजगर के मुंह को ही दबोच लेता है और फिर शुरू होता है जिंदगी और मौत का खेल। पानी में दोनों के बीच जबरदस्त फाइट चलती है, जिसमें अजगर अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मगरमच्छ के चंगुल से बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्रोकोडाइल अटैक वॉर्थॉग। जंगल की दुनिया में सर्वाइव करना बेहद ही मुश्किल है। यहाँ हर पल मौत के बादल मंडराते रहते हैं, जैसे कि आज इस वॉर्थॉग के साथ हुआ। ये वॉर्थॉग जंगली कुत्तों से जान बचाने के लिए पानी में घुस जाता है। शायद वो भूल जाता है कि पानी में दूसरी तरफ उसकी मौत इंतजार कर रही है। अब वॉर्थॉग एक ऐसे दोराहे पर खड़ा था जहाँ दोनों ही सूरत में मौत निश्चित थी। अगर वो पानी से बाहर जाता है तो ये जंगली कुत्ते उसे नोच नोच कर खा जाते और पानी में मगरमच्छ से बचना काफी मुश्किल।
मुश्किल है। चलिए देखते हैं इस वॉर्थॉग की किस्मत में क्या लिखा है। वॉर्थॉग जान बचाने के लिए पानी में जहां शांत खड़ा था, वहीं पानी के बाहर जंगली कुत्ते उसके बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दूसरी ओर पानी में मगरमच्छ घात लगाए बैठा था। वॉर्थॉग को भी इस बात का आभास हो गया था कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। वॉर्थॉग जैसे ही बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाता है, तभी मगरमच्छ उसे बिजली की तेजी से खींचते हुए पानी में ले जाता है। जंगली कुत्ते इस खतरनाक नज़ारे को बस देखते रह जाते हैं और मगरमच्छ वॉर्थॉग को चट कर जाता है। क्रोकोडाइल अटैक इम्पाला। किसी भी जंगल में इम्पाला सबसे इजी टारगेट होते हैं। हर शिकारी इन मासूम जानवरों पर नजर कड़ाए रहते हैं, इसलिए पानी पीते समय भी ये चौकन्ने रहते हैं और भागने की पोजीशन में खड़े रहते हैं। गर्मी से बेहाल यहाँ कुछ इम्पाला पानी पीने के लिए एक तालाब किनारे पहुँचते हैं और पानी पीते हैं। तभी पानी से मगरमच्छ निकलता है और फुर्ती के साथ एक इम्पाला पर अटैक करता है। मगरमच्छ इम्पाला को टांग से पकड़कर उसे अपने इलाके में ले जाने लगता है और तभी दूसरा मगरमच्छ आकर इम्पाला की गर्दन पकड़ लेता है। दोस्तों, अब इस इम्पाला का तो बचना मुश्किल है। वहीं इम्पाला का एक दूसरा झुंड भी पानी पीने आया था, पर जब उन्हें ये शक होता है तो ये अपने साथियों को अलर्ट कर देते हैं। लेकिन इस इम्पाला को जोरों से प्यास लगी थी, इसलिए इसने सोचा क्यों ना थोड़ा सा पानी पी ही लिया जाए, और यही लालच इम्पाला की जान ले बैठी। मौके की फिराक में बैठा मगरमच्छ इम्पाला पर जोरदार हमला करता है और उसके सिर को पकड़ लेता है। मगरमच्छ जैसे ही इम्पाला को पानी में ढकेलता है, तब कुछ देर के लिए तो ऐसा लगता है जैसे इम्पाला जान बचाने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि वो एक कदम किनारे पर खड़ा था और जान बचाने के लिए काफ़ी हाथ पैर मार रहा था। लेकिन मगरमच्छ तो सबका बाप है, वो दोबारा से इम्पाला को दबोच लेता है। दोस्तों, आगे वीडियो और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। क्रोकोडाइल अटैक वाइल्ड डॉग्स। दरिंदगी के मामले में जंगली कुत्ते भी कुछ कम खतरनाक नहीं होते हैं। इनके शिकार करने की टेक्निक गजब की होती है। ये अपने शिकार को दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। पहले ये शिकार को खूब दौड़ाते हैं और जब वो थक कर चूर हो जाता है, तब ये उस पर राक्षसों की तरह टूट पड़ते हैं। अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स शिकार को पकड़ते वक्त 71 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने की क्षमता रखते हैं। ये अक्सर झुंड में शिकार करते हैं और यही इनकी सबसे बड़ी पावर भी है। लेकिन जब इनका सामना मगरमच्छ से होगा तो इनका क्या असर होगा, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दरअसल जंगली कुत्तों का ये झुंड नदी किनारे एक शिकार को पकड़ने के लिए आया था। तब मगरमच्छ ने सोचा क्यों ना आज इनका घमंड तोड़ा जाए। बस फिर क्या था, मगरमच्छ ने मौका मिलते ही इनके एक साथी को धर दबोचा और अपना निवाला बना लिया। अपने साथी की भेंट चढ़ते देख जंगली कुत्ते की हालत खराब हो जाती है। अब इन जंगली कुत्तों की सारी अकड़ निकल गई होगी। खैर, चलिए अगले वीडियो क्लिप की ओर बढ़ते हैं। क्रोकोडाइल अटैक ज़ेब्रा। मगरमच्छ अपने इलाके को लेकर काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और जो कोई भी इनके इलाके में कदम रखने की गुस्ताखी करते हैं, ये उसे बेहद ही दर्दनाक मौत देते हैं। और यहाँ तो ज़ेब्रा की एक लंबी फौज नदी में घुसी जा रही है। अब मगरमच्छ इनका क्या हाल करेंगे, ये देखकर आपका दिल दहल सकता है, क्योंकि मगरमच्छ ने यहाँ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। हर साल ज़ेब्रा को घास के लिए नदियों को पार करना पड़ता है, जिसमें हजारों भूखे मगरमच्छ रहते हैं। केनिया की मारा नदी इस बात की गवाह है। यहाँ मगरमच्छ हर साल ज़ेब्रा के माइग्रेशन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, ताकि उन्हें भर पेट भोजन मिल सके। जीवित रहने और भोजन की चाह में हजारों की संख्या में ज़ेब्रा अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे थे। इसी बीच मगरमच्छ एक ज़ेब्रा को पकड़ लेता है। आप देख सकते हैं कि ज़ेब्रा कहीं भाग न सके, इसलिए मगरमच्छ ने उसका एक पैर ही पकड़ लिया है। लेकिन ज़ेब्रा भी हार नहीं मानता और जान बचाने के लिए खूब जद्दोजहद करता है। तभी एक साथ कई मगरमच्छ और आ जाते हैं और एक मगरमच्छ ज़ेब्रा के मुंह को ही दबोच लेता है और बड़ी दरिंदगी से उसके मुंह के आगे का हिस्सा नोच कर अलग कर देता है। ज़ेब्रा की इतनी खौफनाक तरीके से मौत शायद ही पहले कभी हुई होगी। वाइल्ड बीस्ट। भोजन और पानी की ज़रूरत हर जानवर को मौत का सामना करने के लिए मजबूर करती है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल है। इन वाइल्ड बीस्ट को पानी की इतनी तलब लगी थी कि ये भूल गए कि ये किसके इलाके से पानी पी रहे हैं। पानी पीते समय इन्हें महसूस होता है कि खतरा इनके करीब है, इसलिए ये पीछे हट जाते हैं और मगरमच्छ की यह रणनीति फेल हो जाती है। तब वो अगली प्लानिंग के लिए पानी में नीचे चला जाता है। कुछ देर बाद वाइल्डबीस्ट का झुंड फिर से पानी पीने लगता है और मगरमच्छ इस बार पूरी तैयारी के साथ आता है और एक वाइल्डबीस्ट को पकड़ने में सक्सेस हो जाता है। लेकिन जब इस पर अटैक करने पर भी मगरमच्छ का मन नहीं भरता, तो वो एक और वाइल्डबीस्ट पर हमला करता है और उसे भागने का अवसर तक नहीं देता।
दोस्तों अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि मगरमच्छ से ज्यादा खूंखार, खतरनाक और दरिंदा कोई नहीं है। ये अपने शिकार को इतनी दर्दनाक मौत देते हैं कि मौत भी कांप उठती है। आपको इनमें से मगरमच्छ का कौन सा अटैक सबसे ज्यादा घातक और क्रूर लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।